हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं अभिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आप अगर जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज, तो उसका जो स्लिप होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना होगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन। तो ये लिखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से इसका पोर्टल आएगा, ठीक है, ये आ चुका है। जब आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा जो आपने वैक्सीन के टाइम में आपने इसमें सबमिट किया था या डलवाया था। इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर से, नहीं तो आप मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर सेंड OTP पे डालेंगे। OTP आएगा तो OTP आप डाल कर देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद में जिस जिस का वैक्सीन लगा हुआ सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। वेरीफाई प्रोसीड पे ओके कर दें। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वैक्सीन जिन जिन को लगा हुआ यहाँ पे आपको सामने नज़र आने लग जाएगा। और जिसका भी आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है शो सर्टिफिकेट, इस पर ओके करना है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड में डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर फर्स्ट करना चाहते हो मेरे नाम से, जो मेरा को फर्स्ट बार मेरे को लगा था, शो सर्टिफिकेट पे आप करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट यहाँ पे इसके ऊपर ओके करेंगे और इसको दोबारा से क्लिक करेंगे। दो बार को क्लिक करना पड़ेगा और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए आ चुका ओपन विथ फाइल, तो इस पर हम कर देते हैं PDF जो डाउनलोड हो चुकी है। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट फॉर COVID-19 वैक्सीन वाला है वो डाउनलोड होकर सामने आ जाएगा, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा आ जाता है। अगर दो लगे होते हैं तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लिखा होता है डोज नंबर, डोज नंबर 1/2। अगर 2/2 लिखा होगा समझ चुकी है कि दो उसमें डोज लगी हुई है, और अगर एक लगा हो तो 1/2 लिखा होगा। यहाँ पर पूरी डिटेल सामने आ जाती है। हम बैक चलते हैं थोड़ा। बैक जाने के बाद यहाँ पर डोज, जैसे 1 लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ नीचे ड्यू डेट, जिस डेट को लगना वो भी यहाँ पे दिख जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी आपका अगर वैक्सीन लगा और उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं COVID-19 वाला, तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर किसी का मोबाइल नंबर आप डालोगे और उसका OTP डालने के बाद डाउनलोड कर पाओगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।